आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश आई, बारिश की वजह से टीवी पे आपने देखा होगा इतने सारे लोगों के घर गिर गए, खूब भारी नुकसान हुआ, जनता ने झेला ये नुकसान, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उनकी मदद हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र बड़े उद्योगपति अडानी जी ने क्या किया, जो सेब को उगाते हैं, जो सेब की पेटियां हैं उनको बेचने के लिए जब किसान गए तो उन्हें दाम घटा दिए, खरीदने का दाम घटा दिया, जिनको अपने घर बनाने पड़े क्योंकि इतनी बर्बादी हुई घर पे घर गिर गए, जिनको अपना घर बनाना था सीमेंट खरीदने गए, अडानी जी ने सीमेंट का दाम ऊपर कर दिया है, बढ़ा दिया है। और इनके पीछे कौन है, इनके पीछे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश की पूरी संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी। अब इस देश की संपत्ति किसकी संपत्ति थी, आप ही की संपत्ति थी, ये मेरी बैठी बहनें जो बैठी हुई हैं इनकी संपत्ति थी। आज अगर पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी रो रहा है तो क्यों रो रहा है, क्या उसका हक नहीं था कि 20-25 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन मिलता, उसे सुरक्षा मिलती अपनी जीवन की, अपने परिवार के लिए, क्यों छीना गया ये? और जब इसको देने का समय आता है तो ये केंद्र की सरकार क्यों कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनके हजारों करोड़ों के जो लोन हैं वो ये माफ कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं लेते, और यहां आपका पेंशन छीना जा रहा है, आपके रोजगार छीने जा रहे हैं।